बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में, यानी कि हम समझेंगे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की डेफिनेशन किस तरीके से दी है। तो देखो, अर्थशास्त्र के बारे में इतनी सारी डेफिनेशंस हैं और सभी डेफिनेशंस में जो अर्थशास्त्री हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अलग अलग अपने मत व्यक्त किए कि अर्थशास्त्र क्या होता है। लेकिन मोटे तौर पर हम अर्थशास्त्र की जो डेफिनेशंस हैं उनको चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है धन संबंधी परिभाषा, दूसरा है कल्याण संबंधी परिभाषाएं, तीसरा है सीमितता संबंधी परिभाषाएं और चौथा है विकास संबंधी परिभाषाएं। तो हम एक एक करके सबसे पहले हम समझते हैं धन संबंधी परिभाषा। तो जो एडम स्मिथ थे, जिनको की पाश्चात लोग जो है वो अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं, उनकी एक बुक लिखी थी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि वेल्थ ऑफ नेशन नाम से भी बहुत पॉपुलराइज है, बहुत पॉपुलर है। तो उनमें उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज से संबंधित है, यानी कि अर्थशास्त्र जो है वो इन्होंने धन का विज्ञान को बताया। इस डेफिनेशन की बहुत सारी आलोचना हुई क्योंकि इसमें क्या है, अर्थशास्त्र को जो धन है उसी को ही हमने साधन मान लिया है, उसी को साध्य मान लिया है, यानी कि हर वो चीज जो धन से संबंधित है केवल वही अर्थशास्त्र है। बाद में जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसकी आलोचना की और जो मार्शल थे उन्होंने अपनी बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में जो बुक थी उसमें बताया और डिफाइन किया कल्याण संबंधी परिभाषा, जिसमें अर्थशास्त्र के कल्याण के ऊपर फोकस किया गया है, यानी कि अर्थशास्त्र धन की जगह कल्याण की बात करता है। तो अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उन भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। यानी कि मार्शल ने क्या 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 किया, जो पूरी की पूरी अर्थशास्त्र थी उसको कल्याण के दो हिस्सों में उन्होंने व्यक्त किया, एक वो जो भौतिक कल्याण है जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, तो वो हिस्सा कल्याण का वो हिस्सा जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है, मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, उसको उन्होंने कहा कल्याण अर्थशास्त्र, यानी कि कल्याण का वो हिस्सा जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है उसको अर्थशास्त्र कहा। तो ये कल्याण संबंधी डेफिनेशन है। तीसरी डेफिनेशन की जो कैटेगरी है वो सीमितता संबंधी डेफिनेशन। तो ये जो डेफिनेशन है ये रॉबिन्स की डेफिनेशन है, जिसमें जो बुक थी उनकी उसका नाम था एन एसे ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो साध्यों तथा सीमित तथा अनेक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि सीमित साधनों में अपने साध्य को कैसे पाया जाता है उस अध्ययन को उन्होंने अर्थशास्त्र कहा। अगर हम विकास संबंधी परिभाषा की बात करें तो सैमुएलसन ने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो विकास का इंजन है, यानी कि उन्होंने सारी की सारी जो डेफिनेशन है सैमुएलसन की वो असीमित साधनों के उपयोग से संबंधित ही है। लेकिन क्योंकि आप 11वीं क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो 11वीं क्लास में जो इकोनॉमिक्स होगी उसमें एक नंबर का डेफिनेशन आएगी इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये मैंने अपनी नोट्स में मेरे पास है उसमें से ली हुई है ई बुक में, तो उसमें ये लिखा हुआ है मैंने कि अर्थशास्त्र वो सामाजिक विज्ञान है। तो सबसे पहले हमने अर्थशास्त्र को क्या माना, सामाजिक विज्ञान। अब सबसे पहले समझिए सामाजिक विज्ञान क्यों कहते हैं। देखिए, विज्ञान भौतिक विज्ञान जो होता है उसके जो नियम होते हैं वो हमेशा सार्वभौमिक नियम है, यानी कि आज से 50 साल पहले अगर आइसक्रीम पिघलती थी तो आज से 50 साल बाद भी आइसक्रीम पिघलेगी अगर समर है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो 50 साल पहले पिघलती थी 50 साल बाद भी पिघलेगी, तो उसका क्या कारण है, क्या परिणाम है, ये सब साइंस आपको बताएगी। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक्स के भी कुछ नियम होते हैं जो रीजन में, कारण में और परिणाम दोनों के बारे में बताते हैं और समाधान भी करते हैं, जैसे कि बेरोजगारी के क्या कारण है, कैसे इसे दूर किया जा सकता है, क्या इसके परिणाम होंगे, ये सब भी इकोनॉमिक्स में आता है। लेकिन इसलिए इकोनॉमिक्स को विज्ञान कहा गया
सामाजिक विज्ञान इसलिए क्योंकि ये मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र के जो नियम होते हैं, हो सकता है आज जो नियम हो वो आज से 50 साल बाद रिलेवेंट नहीं रह जाए, इसलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान है जो क्या करता है, सीमित साधनों का कुशलतम आवंटन करता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारे पास जो साधन है वो सीमित है और हमें करना है उनका कुशलतम आवंटन। कुशलतम आवंटन का क्या मतलब है, एक बार समझ लीजिए। देखिए, इकोनॉमिक समय इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सिखाता, समान वितरण नहीं सिखाता, बल्कि कुशलतम वितरण सिखाता है। कुशलतम वितरण का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं और आपके पास 1 लीटर दूध है, तो सभी के हिस्से में 250 ml 250 ml आना चाहिए। इकोनॉमिक्स कहता है नहीं, 250 ml नहीं आना चाहिए, बल्कि जिसको जरूरत ज्यादा है उसको ज्यादा मिलना चाहिए और जिसको जरूरत कम है उसे कम मिलना चाहिए, तभी मैक्सिमम वेलफेयर हो पाएगा। यानी कि इकोनॉमिक्स हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सिखाता बल्कि एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिखाता है। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि आपके पास जो सीमित साधन है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि क्या मिल सके हमें, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि, उत्पादक को अधिकतम लाभ और समाज को अधिकतम कल्याण मिल सके। यानी कि 3 कैटेगरी हमने डिसाइड की, उपभोक्ता, उत्पादक और समाज। तो उपभोक्ता को क्या चाहिए, अधिकतम संतुष्टि, उत्पादक को क्या चाहिए, अधिकतम लाभ और समाज को क्या चाहिए, अधिकतम कल्याण। तो जो इकोनॉमिक्स जो है वो इन तीनों की पूर्ति करता है। यानी कि इकोनॉमिक्स में हम सीमित साधनों को इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि, उत्पादक को अधिकतम लाभ और समाज को अधिकतम कल्याण मिल सके। तो दोस्तों, ये जो डेफिनेशंस हैं इसमें से हमारी जो डेफिनेशन रहेगी, अगर आप हायर क्लास के लिए जाओगे तो ये सारी चीजें आप लर्न कर लेना, और अगर आप 11th क्लास के लिए हो, जिसके लिए मैं ये वीडियो सारी की सारी स्पेशली इनके लिए बना रहा हूँ, उनमें आपके 1 नंबर की 1 मार्क्स की डेफिनेशन आएगी अर्थशास्त्र की, तो आप इसको डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस डेफिनेशन को लर्न करने के अलावा आप चाहें तो मेरे नोट्स भी ले सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। उसके अलावा आपको सारे डिटेल वहां मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से ये वीडियो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।